नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और रितेश बहन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी पासपोर्ट साइज फोटो में नाम और डेट कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक फोटो है और इस पासपोर्ट साइज फोटो में हम आपको बताएंगे कि आप नाम और डेट कैसे लिख सकते हैं। सिंपल इसको उठा करके अपने हम फोटोशॉप में लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटो हमारा फोटोशॉप में आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस पे हम फोटो पे नाम और डेट लिखेंगे। उससे पहले जैसे कि यहाँ पे ये फोटो है तो उस फोटो पे क्या करना है, एक यहाँ पे नीचे में नाम और डेट लिखने के लिए सिंपल आपको टूल्स बार में चले जाना है। टूल्स बार में जाने के बाद इस शेप टूल पे चले जाना है और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसे इस तरीका से ड्रॉ कर लेना है। अगर इस तरीका से ड्रॉ नहीं हो रहा है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाले रेक्टेंगल टूल आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना है। कलर में आप चाहे तो व्हाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी व्हाइट कलर ले लिया हूँ और इस तरीके से इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ करने के बाद कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा हमारा साइड में एडजस्ट नहीं हुआ है। इसको एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कुछ इस प्रकार से इसे साइड में यहाँ तक हम इसे लगा देंगे। इसे भी खींच के साइड तक हम ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ तक एडजस्ट हो गया है, ठीक है। तो सारा चीज यहाँ पे हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे मुझे नाम और डेट लिखना है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे टूल्स बार में आपको यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट टूल जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा लिखा रहा है लेकिन ये नीचे के ऊपर है। इसको सबसे ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो ये लेयर बार है। लेयर टूल अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो विंडो में जाएंगे और सिंपल यहाँ पे लेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका लेयर पैनल एक्टिव हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा बीच में है। सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड फोटो है और ऊपर में बीच में हमारा टेक्स्ट हो गया और ऊपर में ये हमारा शेप हो गया। जैसे कि यहाँ पे शेप हम हाइड करते हैं, ये हो गया शेप। इसको सबसे ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब ये ऊपर हो गया। अब इसका कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से लेयर में जाना है, लेयर स्टाइल में जाना है और यहाँ पे कलर ओवरले के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको रेड या ब्लू या ब्लैक कोई भी एक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये हिंदी में आ रहा है तो नाम हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे टूल्स बार में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन में आपको दिखेगा एक अंग्रेजी फॉन्ट आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे एरियल लिखा हुआ है। एरियल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर में आपको बोल्ड पे क्लिक करना है और अभी हम इसको यहाँ से सिंपल छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है। और अभी हम यहाँ पे जैसे कि नाम लिखना चाहते हैं तो फिलहाल हम अभी यहाँ पे नाम यहाँ पे बड़ी में लिखने के लिए कैप्स लॉक को ऑन कर देना है कीबोर्ड में, ठीक है। रितेश कुमार हमने लिख दिया। इसे हम इस तरीके से फॉन्ट इसे मूव करने के लिए ये टेक्स्ट को यहाँ से टूल्स बार में आपको ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि इसे भी इधर उधर कर सकते हो आप। ये टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट को भी इधर उधर खिसका सकते हो, देख रहे हो ना आप, कुछ इस प्रकार से। इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट टूल को यहाँ पे लास्ट में लाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, ठीक है। तो अगर ये आपका नीचे ऊपर नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल से इस पे चले जाना है और यहाँ पे ये जो दूरी है इसे आपको ऑटो पे रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन हमारा आ गया है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि डेट लिखना है तो फिलहाल यहाँ पे जैसे कि अभी का डेट यहाँ पे 24 तारीख चल रहा है तो फिलहाल मैं इसे डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे 24 लिख देता हूँ। 24 सॉरी दोस्तों, ये हमारा लिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे इस तरीका सेलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पे लिख सकते हो आप जैसे कि 24/4/2022 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। इसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से ऊपर की ओर कर देना है आपको, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से ऊपर हो गया और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कुछ इस प्रकार से खींच के
यहाँ पे रख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा, इसे क्लोज कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे आपका इस प्रकार से नाम लिखा चुका है। थोड़ा सा इसे हम और नीचे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका नाम, जो कि हम आप बड़े ही आसानी से इसमें नाम और डेट लिख सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर हम आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर आपको बॉर्डर कैसे लगाना है, ठीक है। बॉर्डर लगाने के लिए आपको सिंपल लेयर पैनल पे चले जाना है, यहाँ पे लेयर पैनल पे, और यहाँ से आपको एक न्यू लेयर ले लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद आपका इसको यहाँ पे सबसे ऊपर में कर लेना है, ये ऊपर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है, और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपको इमेज में चले जाना है, ठीक है, सॉरी एडिट में चले जाना है, और इसके बाद स्ट्रोक पे चले जाना है, और यहाँ से आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर ले लेना है, और यहाँ पे पिक्सल में आप 5 लेके ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे डी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे कंट्रोल डी दबाएंगे या डी सेलेक्ट। अब यहाँ पे हमारा बॉर्डर भी लग चुका है। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो में बॉर्डर को लगा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।